मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। सीएम योगी ने यह बात बुधवार को एक प्रमुख समाचार पत्र द्वारा ताज होटल में आयोजित समृद्ध राउंड टेबल सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने इस कार्यक्रम में राज्य की आर्थिक उपलब्धियों, सुरक्षा व्यवस्था, औद्योगिक विकास और माफिया के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की नीति अपनाती थी, जबकि हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP के माध्यम से उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग की है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय राज्य की GDP 12 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन उनकी सरकार के प्रयासों से 2023-24 में यह आंकड़ा 26 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और अब 32 लाख करोड़ का लक्ष्य किया गया है। सीएम योगी ने राज्य में माफियाओं के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाइयों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपराधियों और माफियाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जिस क्रूरता से अपराधी और माफिया नागरिकों के साथ व्यवहार करते थे, उसी क्रूरता से हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। उन्होंने बताया कि राज्य में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके तहत 64,000 एकड़ भूमि माफियाओं से मुक्त कराई गई है। पहले की सरकारें माफियाओं की मदद करती थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा हटाकर राज्य को माफिया मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में निवेश और औद्योगिक विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2017 में जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी, तब निवेश की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन अब यूपी में निवेश के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पहले हमारे अधिकारियों को 20,000 करोड़ रुपए का भी निवेश लाना बड़ी बात लगती थी, लेकिन आज हम 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर चुके हैं, जिससे 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पुलिस बल में बड़े सुधार किए हैं। उन्होंने बताया कि 1.54 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है और पुलिस की अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में अपराधी पुलिस की मदद से ही अपराध करते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यूपी पुलिस अब पूरी तरह से सक्षम है और अपराधियों में खौफ पैदा कर रही है। सीएम योगी ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने पुलिस ट्रेनिंग की अवधि को बढ़ाया है और 6,000 पुलिस कर्मियों को एक साथ ट्रेनिंग दी गई है। पुलिस बल में पैरामिलिट्री और मिलिट्री सेंटर से भी सहयोग लिया गया है, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। लॉजिस्टिक्स हब बनने के लिए यूपी में किए जा रहे कार्यों पर चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वाराणसी में लॉजिस्टिक्स मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है और गौतम बुद्ध नगर में लॉजिस्टिक्स हब की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के MSME और स्किल्ड मैन पावर बड़े निवेश के आधार बनते हैं। उत्तर प्रदेश अब देश की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में यह देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य की आर्थिक और औद्योगिक विकास यात्रा जारी रहेगी और उत्तर प्रदेश भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस 24x7। और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24x7।